हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए, बादशाह शेयर, मतलब किंग शेयर आप इसको कह सकते हो, और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया का। अब जैसा कि आपको पता है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से खास करके, और वो जोर जो दिया जा रहा है वो पूरा डेवलपमेंट, क्योंकि चाहे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, बिल्डिंग्स की बात करो, हर जगह पे ये कंपनी छाई हुई है। बिल्कुल सबसे ज्यादा बोलबाला इसी कंपनी का हर जगह पे है। और यहाँ पे अभी जो इसका रिजल्ट आया ना, क्वार्टरली रिजल्ट, आज अभी 30 जुलाई 2019 को इसका रिजल्ट आया है, और वो रिजल्ट मतलब 30,000 करोड़ की टोटल इनकम दिखाई है इस कंपनी ने। प्रॉफिट कितना दिखाया, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है, उन सारी चीज़ों को जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। इस शेयर को बादशाह शेयर ऐसा ही नहीं कहा जाता। 1 लाख मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का, आप देखिए 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। करंट प्राइस देखिए 1400 के आसपास है, बुक वैल्यू 450 की है, पी रेशियो हर 22 रुपये पे 1 रुपये कमाता है, डिविडेंड भी देता है, सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया, इतने बड़े लेवल का होने के बाद पीजी रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव, और इंट्रिंजिक वैल्यू भी प्राइस से बहुत ऊपर, मैं कहूँगा बेहतरीन तरीके से ये स्टॉक फंडामेंटल्स हैं। नाम क्या है कंपनी का वो देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड की। बहुत टॉप की कंपनी है, आप खुद देखिए, बहुत बड़ी, इंडिया में ही नहीं 30 कंट्रीज के कस्टमर इसके पास हैं, बहुत बेहतरीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इस शेयर की, अगर आप आज की प्राइसिंग देखें तो 1409 के आसपास ये क्लोज हुआ है, लेकिन जो इसका रिजल्ट आया है वो रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और वो रिजल्ट आया है 4:30 बजे के आसपास रिजल्ट अपलोड हुआ है। तो जब 4:30 बजे के आसपास रिजल्ट अपलोड हुआ है तो इसका असर कल की मार्केट यानी कि 24 जुलाई की मार्केट को देखने को मिलेगा, और रिजल्ट कैसा रहा वो देखिए। 30,020 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर में दिखाई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 27,232 करोड़ की थी। 10% का जंप देखने को मिला पिछले साल जून के कंपैरिजन में टोटल इनकम में। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो 1472 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पिछले साल जून में 1214 करोड़ का था, यानी कि 21% से ऊपर की जंप नेट प्रॉफिट में है। अर्निंग पर शेयर देखिए 8.65 रुपये से बढ़ के 10.48 रुपये हो गया, 21% के ऊपर का अर्निंग पर शेयर में भी जंप है। अगर मैं पिछले मार्च से कंपेयर करूँ, मार्च क्वार्टर जो अभी गया हुआ है उससे कंपेयर किया जाए, तो टोटल इनकम घटी है 30%, टोटल इनकम घटी है, और नेट प्रॉफिट 56% घटा है, और अर्निंग पर शेयर 24 से गिर के 10 आया, यानी कि 56% जो है अर्निंग पर शेयर भी क्लियरली घटा है। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें इसका प्रॉफिट देखें पिछले कुछ क्वार्टर का, तो देखें जून में पूरे साल का अगर आप अनुमान लगाए तो सबसे कम प्रॉफिट जून वाले क्वार्टर में होता है। देखिए जून 2016 683 करोड़ का, जून 2017 893 करोड़ का, जून 2018 1215 करोड़ का, जून में सबसे कम प्रॉफिट देता है, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है इसके मार्च क्वार्टर में। तो आप क्लियरली देख लीजिए सारा प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट ये दिखाता है कंपनी। चलिए ये तो आपने देखा लार्सन एंड ट्यूब्रो की इतनी सारी डिटेल्स, और साथ में हम जानते हैं टेक्निकल्स। टेक्निकल काफी इंपॉर्टेंट होता है बाइंग लेवल जानने के लिए। देखिए शेयर ने ऐसी रैली दिखाई फरवरी 2016 से कि ये 700 रुपये का शेयर 1600 रुपये के आसपास जा चुका था, लेकिन अभी कुछ टाइम से करेक्शन आया है, और अब मैं कहूँगा कि यहाँ से ये करेक्शन के बाद अब ये अगर ये वीकली चार्ट है, देखिए इंडिसिजन यहाँ पे आया है, और इस शेयर की अगर देखा जाए तो RSI ने भी सपोर्ट सा लिया है यहाँ पे, और RSI बिल्कुल जो लोअर RSI का जोन था वो 37 के लेवल तक गई थी RSI, वहाँ से फिर से बाउंस बैक देखने को मिला। अगर अब आती है डेली चार्ट पे, और थोड़ा सा हमको फाइन रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए डेली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से नीचे आया, देखिए ऑलमोस्ट 1600 के प्राइस से नीचे आया है, और यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही थी कि थोड़ा और नीचे अगर आए तो इसकी जो ये सपोर्ट की रेंज है ये 1300-1350 तक, मतलब 40-50 रुपये और नीचे आ सकता है ये शेयर। लेकिन ये चार्ट देख के मुझे एक पॉइंट यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है, जो एक गैप अप पैटर्न है ना, गैप अप पैटर्न आपने देखा होगा, ये गैप अप पैटर्न ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। अक्सर गैप अप पैटर्न स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया करते हैं। तो देखिए कितने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया कि स्टॉक यहाँ से अब ऊपर को धकेला जा रहा है, और ऐसे रिजल्ट के बाद, इतने प्रॉफिट के बाद, मैं कहूँगा स्टॉक और ऊपर यहाँ पे बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा जरूर। लेकिन जिस तरीके से मार्केट की कंडीशन चल रही है, अगर नीचे आता है तो ये थोड़ा और निचले लेवल पे मिले, अगर किसी को ये 1200 के रेंज तक अगर आता है किसी रीजन की वजह से, मार्केट की वजह से, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा पुश है, पूरा जोर है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट की हैं, कर रही हैं, तो इसीलिए मुश्किल है नीचे ये आ पाना शेयर, और ऊपर ही पढ़ने की कोशिश जरूर करेगा। चलिए ये था L&T का रिजल्ट आपके लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट बिल्कुल लेटेस्ट आपके लिए लेके आता रहता हूँ चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपकी अपनी राय स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।